इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, इस लेक्चर में हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में देखेंगे। यहाँ पे दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल हैविंग अ पार्टिकल साइज लेस देन 75 माइक्रोन। तो जो भी हमारे सॉइल के जो पार्टिकल है उनका जो साइज है लेस देन 75 माइक्रोन है, ऐसे पार्टिकल को एनालाइज करने के लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जो हमारे कोर्स ग्रेन सॉइल रहते थे जैसे कि सैंड एंड ग्रेवल, उनके लिए हम सीव एनालिसिस करते थे। और जो हमारे फाइन ग्रेन सॉइल है मतलब कि जिनका साइज 75 माइक्रोन से कम है, तो वो हमारे किस मेथड से एनालाइज होते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस से इसको हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या सेडिमेंटेशन एनालिसिस 75 माइक्रोन से जितने भी पार्टिकल कम है, कितने भी साइज के जो 75 माइक्रोन से कम है, क्या सभी के लिए एप्लीकेबल है? आंसर है नो। ये कितने साइज के पार्टिकल तक के लिए एप्लीकेबल है? जो पार्टिकल 0.2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच के रहेंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा सेडिमेंटेशन मेथड एंड या फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस एप्लीकेबल है। जो पार्टिकल हमारे 0.2 माइक्रोन से कम साइज के हैं वो इस मेथड से एनालाइज नहीं हो सकते। और उसको एनालाइज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड हम यूज करते हैं ऐसे पार्टिकल को एनालाइज करने के लिए जिनका जो साइज है वो है 0.2 माइक्रोन से कम है। इसके बाद बोलते हैं यहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक्स लॉ। जो हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? स्टॉक्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। और हमारा जो स्टॉक लॉ है वो क्या बोलता है कि जो हमारा सेटलिंग वेलोसिटी होता है, मतलब कि जो हमारा पार्टिकल है वो जिस वेलोसिटी से सेटल होगा और उस पार्टिकल का शेप कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल पार्टिकल होना चाहिए, और जो हमारा मीडियम होना चाहिए वो इनफाइनाइट मीडियम होना चाहिए। तब हमारा जो सेटलिंग वेलोसिटी रहता है वो किस पे डिपेंड करता है? मास, साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है? सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होता है हमारा स्टॉक्स लॉ पे बेस होता है। और स्टॉक्स लॉ कुछ अजम्पशन है इसके, इसके क्या अजम्पशन है कि हमारा जो पार्टिकल हो कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल शेप का होना चाहिए, और जिस मीडियम में हमारा जो पार्टिकल है वो मीडियम क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट मीडियम होना चाहिए। तो तब हमारा जो सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? मास, साइज ऑफ पार्टिकल एंड शेप ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। ये हमारा क्या बोलता है? स्टॉक लॉ बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है किस पे बेसिस हो जाता है? पूरी तरह फिर अजम्पशन पे बेस हो जाता है, क्योंकि ये किस पे बेसिस है? हमारा स्टॉक्स लॉ के प्रिंसिपल पे बेसिस है। और ये स्टॉक लॉ में कुछ अजम्पशन है, तो ऑब्वियसली अगर ये अजम्पशन पे बेस है तो फिर इसके कुछ लिमिटेशन भी होंगे, तो वही हम आगे देखने वाले हैं। ये देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि जो स्टॉक लॉ था ये क्या बोला है कि जो सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रहता है वो मास, शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। और ये जो सेटलिंग वेलोसिटी होता है उसको हम वी एस से डिनोट करते हैं। और सेटलिंग वेलोसिटी के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है स्टॉक ने, जी माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। जी हमारा क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल है। गामा डब्ल्यू हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर है। स्मॉल डी हमारा क्या है? डायमीटर ऑफ पार्टिकल का जो साइज होगा उसका डायमीटर है यहाँ पे। और म्यू जो है यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये किस पे डिपेंडेंट है? हमारा डायमीटर पे डिपेंडेंट है। जो हमारा पार्टिकल है इसका डायमीटर पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये किस पे डिपेंडेंट है? हमारा शेप और साइज पे तो ऐसे ही डिपेंडेंट है हमारे जो पार्टिकल है उसके, और मास पे भी इसी से डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पे आ जाती है, इसके बाद यहाँ पे आ जाती है लिमिटेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बाद। द सेटलिंग इज अज्यूम टू बी अकर इन इनफाइनाइट मीडियम बट द साइज ऑफ द जार और सेडिमेंटेशन टैंक इज फाइनाइट। ठीक है, हमारा जो स्टॉक्स लॉ है वो क्या बोलता है कि हमारा जो मीडियम होना चाहिए या फिर जिस मीडियम में जो हमारा वाटर है, जिस मीडियम में हमारा सॉइल को प्लेस किया गया है, मीडियम हमारा क्या? वाटर है। ठीक है, तो उसमें में हमारा सॉइल को प्लेस किया गया है, तो ये जो मीडियम है हमारा वो क्या होना चाहिए? इन्फेनाइट होना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम कहाँ करते हैं? किसी जार पे करेंगे। जब हम लेबोरेटरी पे रहेंगे तो हमारे पास क्या है? टैंक तो मौजूद नहीं रहेगा वहां पे, तो हम क्या करते हैं? जार में करेंगे। या फिर हम यहाँ फील्ड में भी जाएंगे तो हमारा किस पे होगा? टैंक में होगा। लेकिन ये सब क्या है? हमारे फाइनाइट मीडियम है, इनफाइनाइट तो है नहीं, तो ये हमारा क्या है? लिमिटेशन हो जाता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस का। दूसरा यहाँ पे लिमिटेशन है, तो हमारा जो सेटलिंग था ये हम स्टॉक ने क्या बोला था कि डिस्क्रीट मैनर में होना चाहिए। डिस्क्रीट मैनर मतलब कि हर एक पार्टिकल अलग अलग सेटल होगा। ठीक है, अपनी वेलोसिटी से अलग अलग पार्टिकल सेटल होगा, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है।
ड्यूरिंग द सेटलिंग पार्टिकल गैस अकोमुलेट, ठीक है। पार्टिकल एक दूसरे क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक दूसरे के पास आते हैं, जिसके कारण वो लोग फ्लॉक्स का फॉर्म होता है वहां पे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, अक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, जिसके कारण से हमारा जो डिस्क्रीट सेटलिंग वाला जो पार्ट है वो नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक लिमिटेशन की तरह ही हो जाएगा। और उसके बाद हमारा थर्ड है यहाँ पे, द शेप ऑफ द पार्टिकल इज अज्यूम टू बी स्फेरिकल बट द एक्चुअली क्ले पार्टिकल हैज फ्लैकी शेप, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे स्टॉक लॉ बोला था कि शेप ऑफ पार्टिकल क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, लेकिन हमारा एक्चुअल में अगर क्ले पार्टिकल देखें तो इसका शेप जो रहता है वो फ्लैकी शेप का होता है। और जो हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस रहता है ये किस साइज के पार्टिकल के लिए रहता है, 0.2 माइक्रॉन से 200 माइक्रॉन के बीच का हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फाइन ग्रेन रहता है वो तो 75 से कम रहता है, तो 75 से तो ज्यादा रहेगा नहीं, फिर भी हम 75 से 200 के बीच माइक्रॉन के बीच का भी एनालाइज कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मिनिमम में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 0.2 माइक्रॉन तक ही एनालाइज कर सकते हैं, 0.2 माइक्रॉन से कम वाला नहीं एनालाइज हो पाएगा। क्यों एनालाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमारा पार्टिकल का साइज 0.2 माइक्रॉन से कम का रहता है तो फिर क्या हो जाता है कि उसका जो फ्लोटिंग होता है ये कैसा होता है, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। जो हमारा पार्टिकल का जो साइज रहता है 0.2 माइक्रॉन से कम का होता है तो वो ब्राउनियन मोशन शो करने लगता है, तो इसके कारण हम इसको सेडिमेंटेशन एनालिसिस से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। और अगर हमारा पार्टिकल का साइज 200 माइक्रॉन से ज्यादा का होगा तो हमारा पार्टिकल जो रहता है उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आने लगेगा, क्योंकि 200 माइक्रॉन से ज्यादा करेगा हमारा पार्टिकल का साइज तो फिर क्या हो जाएगा कि वो बहुत जल्दी सेटल होने लगेगा। हमारा पार्टिकल बहुत जल्दी सेटल क्यों होगा, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन फोर्सेस ज्यादा रहेंगे, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटेशन फोर्सेस और भी ज्यादा लगेंगे, तो बहुत रैपिडली सेटल होगा, जिसके कारण उसमें क्या आ जाता है, एक्सीलरेशन हो जाता आने लगता है। तो इसलिए हमने क्या, हम इस टाइप का जो पार्टिकल रहता है जिनका साइज जो 200 माइक्रॉन से ज्यादा का रहता है, उस पार्टिकल को में भी हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस से नहीं एनालाइज कर पाते, ठीक है। तो जो लेस देन 0.2 माइक्रॉन के पार्टिकल रहते हैं उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, एक्सरे से एनालाइज करते हैं। 0.2 से 200 माइक्रॉन का जो पार्टिकल रहता है उसको सेडिमेंटेशन एनालिसिस से एनालाइज करते हैं। और जो हमारा 75 माइक्रॉन से 4.75 mm के बीच में रहता है, मतलब कि सैंड पार्टिकल रहता है, उसको हम फाइन ग्रेन सीव एनालिसिस लेते हैं उसके लिए। और जब हमारा पार्टिकल का साइज जो रहता है 4.75 mm से 80 mm के बीच में रहता है, तो उसके लिए हम कोर्स ग्रेन सीव एनालिसिस करते हैं, जो कि हम ग्रेवल के लिए करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारा पार्टिकल का साइज जो रहेगा 75 से 200 माइक्रॉन के बीच में रहता है, तो उसको हम सेडिमेंटेशन एनालाइज भी कर सकते हैं और फाइन ग्रेन सीव एनालिसिस दोनों के लिए वैलिड है, क्योंकि इसका रेंज है 0.2 माइक्रॉन से 200 माइक्रॉन और ये 75 माइक्रॉन से 4.75 माइक्रॉन। तो जो 75 माइक्रॉन से 200 माइक्रॉन के बीच में रहेगा वो दोनों मेथड से एनालाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस इस तरह से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक और हमने यहाँ पे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया है। इसमें हमने क्या शो किया है, हमने यहाँ पे दोनों टाइप के सॉइल को शो किया है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल था उसके लिए हम उसका जो एनालिसिस है वो कैसे करते हैं, हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं उसके लिए। और जो हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल था उसके लिए हम क्या करते हैं, सीव साइज एनालिसिस करते हैं। सीव साइज एनालिसिस में हम दो टाइप का सीविंग किए थे, कोर्स सीविंग किए थे और फाइन ग्रेन सीविंग किए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर पूरे पार्टिकल्स का यहाँ पे देखते हैं तो इन दोनों के बीच का जो बाउंड्री था हमारा क्या होता है, 75 माइक्रोन का होता है फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन के बीच में। तो 75 माइक्रोन से कम के लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे, 75 माइक्रोन से 80 mm के बीच का के लिए हम क्या करेंगे, सीव एनालिसिस करेंगे। सीव एनालिसिस में भी 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइन सीविंग करेंगे और 4.75 mm से 80 mm के लिए हम कोर सीविंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पूरे सॉइल के बारे में ये जो ग्राफ है यहाँ पे प्लॉट हुआ है, इससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ सीव एनालिसिस के लिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे। यहाँ पे पूरे हमारे जो सॉइल है, फाइन हो चाहे वो कोर्स हो, सबके लिए यहाँ पे प्लॉटेड है। तो देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कर्व है या फिर फर्स्ट कर्व यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस टाइप के सॉइल को शो कर रहा है। तो ये जो हमारा होगा
तो ये जो होगा हमारा किसको शो करेगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और फाइन ग्रेडेड सॉइल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कर्व का जो शेप है ये क्या है, लगभग स्ट्रेट टाइप का, मतलब कि ये एक ही टाइप के पार्टिकल को यहाँ पे शो कर रहा है। तो वेल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब क्या हो जाएगा कि सिर्फ एक ही साइज के पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पुअरली ग्रेडेड भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकेंड टाइप का जो कर्व है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सारे साइज के पार्टिकल्स को कवर कर रहा है। ठीक है, हमारा जो पार्टिकल का साइज है यहाँ से यहाँ के बीच में है, तो ये सारे साइज के पार्टिकल को ये जो कर्व है हमारा कवर कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड फाइन ग्रेन सॉइल हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे वेल ग्रेडेड फाइन ग्रेन सॉइल। इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप का है यहाँ पे देखते हैं, थर्ड टाइप का जो कर्व है ये क्या है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये जो हमारा है ये भी पूरा जो रेंज इसको कवर कर रहा है, हमारा जो रेंज है ये 75 से ये 80 mm तक है। ठीक है, 75 माइक्रोन से 80 mm तक हम सीव एनालिसिस करते हैं, तो ये सारे रेंज के पार्टिकल को ये जो कर्व है कवर कर रहा है, मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवाल हम बोल सकते हैं इसको, या फिर वेल ग्रेडेड सैंड बोल सकते हैं, या फिर वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल हमने लिखा है। उसके बाद जो फोर्थ टाइप का कर्व है ये भी हम देखते हैं यहाँ पे, ये फोर टाइप का जो कर्व है ये भी हमारा किस टाइप का है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है मतलब कि सेम साइज के पार्टिकल्स जो है इसमें प्रेजेंट है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल में यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पुअरली ग्रेडेड भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या फिर पुअरली ग्रेडेड और किस टाइप का, कोरस ग्रेन सॉइल है। ठीक है, तो यही पे हमने यही लिखा है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या फिर पुअरली ग्रेडेड कोरस ग्रेन सॉइल यहाँ पे हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ कर्व है यहाँ पे आप देखिए, फिफ्थ कर हमारा क्या है, ये पूरा रेंज को कवर कर रहा है, किसको कवर कर रहा है, दोनों को कवर कर रहा है। इधर देखिए इसका जो रेंज है ये 75 से कम में भी है और ये 75 से यहाँ पे ज्यादा में भी है। तो ये जो होगा हमारा किस टाइप का सॉइल होगा, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, दोनों साइड आ रहा है ये जो कर्व है, तो ये क्या हो जाएगा कि वेल ग्रेडेड सॉइल हो जाएगा। इसमें ना ही हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल लिखेंगे, ना ही वेल ग्रेडेड सैंड, ना ही वेल ग्रेडेड फाइन ग्रेन लिखेंगे, हम इसको वेल ग्रेडेड सॉइल लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों के ही रेंज में आ रहा है, मतलब कि पूरा सॉइल ही हमारा क्या है, वेल ग्रेडेड है। फिफ्थ वाला वेल ग्रेडेड सॉइल यहाँ पे हमने लिखा भी है। इसके बाद जो हमारा सिक्स टाइप का सॉइल है यहाँ पे आप देखिए, ये जो है क्या है, फाइन ग्रेन को भी कवर कर रहा है और जो है हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल को भी यहाँ पे कवर कर रहा है, दोनों टाइप के सॉइल को कवर कर रहा है। ये 75 से नीचे भी है और 75 से ऊपर, दोनों साइज के पार्टिकल को यहाँ पे कवर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि इसमें क्या है हमारा, ये जो साइज है यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के पैरलर हो गया, मतलब कि यहाँ पे क्या है, गैप ग्रेडेड है। ठीक है, तो जब भी हमारा जो ग्राफ रहता है हॉरिजॉन्टली पैरलर रहेगा, मतलब कि वो क्या है, गैप ग्रेडेड टाइप का सॉइल है, और वर्टिकली इस टाइप से पैरलर होगा, मतलब कि ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है या फिर पुअरली ग्रेडेड सॉइल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा किस टाइप का सॉइल है, गैप ग्रेडेड सॉइल है। गैप ग्रेडेड हम यहाँ पे कोर्स ग्रेन भी नहीं लिखेंगे, ना ही फाइन ग्रेन लिखेंगे, हम यहाँ पे गैप ग्रेडेड सॉइल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, पूरा रेंज को कवर कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा सीधा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, गैप ग्रेडेड सॉइल। ठीक है।